हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग शेयर के ऊपर। तो चलिए चार्ट्स के ऊपर हम लोग बात करते हैं। स्टॉक में हम लोगों को शॉर्ट टर्म में गिरावट देखने को मिल सकता है, उसके पीछे का वजह क्या है। वीकली चार्ट के ऊपर पहले डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। वीकली चार्ट के ऊपर अगर बात करेंगे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, यहाँ पर हम लोगों का वीकली चार्ट जो है वो क्लोज हो जाएगा। एक अच्छा हम लोगों को ऑलमोस्ट 70% से ज़्यादा का एक बहुत ही शार्प तेजी देखने को मिला। अप्रैल से लेकर जुलाई मंथ तक कंटिन्यूसली जो है स्टॉक में हम लोगों को अप ट्रेंड देखने को मिला। अब यहाँ पे करंट लेवल पे अगर बात करेंगे तो स्टॉक आपको इस रेंज में 130-140 के रेंज में सस्टेन करने की कोशिश किया। 130 के नीचे ब्रेकडाउन दिया, वापस से प्रीवियस वीक में ऊपर की साइड जरूर गया, बट अगेन अब प्रीवियस 2 वीक्स के लो के नीचे स्टॉक ट्रेड करना स्टार्ट कर चुका है। तो इस स्टॉक में एक हम लोगों को ऊपर की साइड में एक अच्छे रैली के बाद अब निगेटिव पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक में जो है हम लोगों को एक अच्छा गिरावट अब देखने को मिल सकता है। तो ये गिरावट किस लेवल तक हो सकता है, चलिए अब हम लोग डेली चार्ट के ऊपर बात कर लेते हैं लेवल टू लेवल। पहला जो सपोर्ट है अभी करंट लेवल पे 125 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। पहला सपोर्ट स्टॉक के पास जो है वो आपको 115-116 के लेवल पे है। और अगर ये लेवल ब्रेक डाउन हो जाता है, 115-116 का लेवल ब्रेक डाउन हो जाता है, तो फिर स्टॉक जो है 105 के लेवल को भी रीटेस्ट कर सकता है। तो करेंटली अगर यहाँ पे बात करेंगे तो आपको फ्रेश पोजीशन नहीं लेना है। गिरावट में अभी और नीचे आ सकता है तो आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो आपको यहाँ पे अभी बाय नहीं करना है, थोड़ा सा वेट कीजिए। 115-116 के लेवल पे आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। इन केस अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो नीचे के लेवल से अगर होल्ड कर रहे हैं तो आप एक अच्छे प्रॉफिट में हैं। आपको कोई भी यहां पे जो है ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये एक रिट्रेसमेंट है। मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, स्टॉक में एक अच्छा रैली हो चुका है, तो इस स्टॉक में भी हम लोगों को एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो कंटिन्यूसली होल्ड कर सकते हैं। इन केस अगर आपने ऊपर के लेवल पर एंट्री ले लिया है, सपोज आप अगर 130, 135, 136, 125, 126 इन सभी लेवल्स पे आपने अगर एंट्री ले लिया है तो वेट कीजिए। नीचे की साइड में अगर सपोर्ट लेता है और यहाँ पे कोई भी अगर डेली चार्ट पे अगर रिवर्सल पैटर्न दिखता है तो हम लोग उस लेवल पे जो है वापस से अपने पोजीशन को एवरेज कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को सही पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।